राजपूत कर्णी सेना बांसवाड़ा की ओर से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के द्वारा महाराणा प्रताप के तस्वीर के अपमान पर राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन। ज्ञापन में बताया कि मेवाड़ के वल्लभ नगर में चुनावी सभा में महाराणा प्रताप की प्रतिमा को पैरों में रखना बीजेपी के नेताओं को महंगा पड़ गया। वहीं पूरे राजस्थान में राजपूत कर्णी सेना के तत्वाधान में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के द्वारा वल्लभ नगर विधानसभा में युवा सम्मेलन में हिंदुत्व के गौरव हिंदू सूरज महाराणा प्रताप की प्रतिमा पैरों में रखकर अपमान किया। इसी को लेकर पूरे राजस्थान के साथ साथ बांसवाड़ा में भी भारी रोष देखा गया। वहीं बांसवाड़ा राजपूत कर्णी सेना के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि वहीं महापुरुषों का अपमान सर्व समाज का अपमान है। वहीं राजपूत कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मांग की है कि प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की ओर से और साथ ही अन्य मंच पर उपस्थित नेता माफ़ी मांगे। यदि माफ़ी नहीं मांगते हैं तो राजपूत कर्णी सेना बड़े विशाल रूप में धरना प्रदर्शन करेगी। वहीं प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को पार्टी से तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करने की मांग की। वहीं बात करें तो राजपूत कर्णी सेना के सुप्रीमो सुखदेव सिंह गोगामेडी ने भी नेताओं को जो है खुल चुनौती दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजस्थान की जनता के सामने आकर महाराणा प्रताप की प्रतिमा को पैरों में रखकर जो अपमान किया है उसकी माफ़ी मांगे। यदि उसकी माफ़ी नहीं मांगते हैं तो बीजेपी नेताओं को यह अपमान महंगा पड़ेगा। सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी द्वारा हिंदुत्व के गौरव हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप के अपमान पर जो उन्होंने जो ये करा है कृत्य, उस सतीश पूनिया जी की बर्खास्तगी के लिए हम मांग कर रहे हैं श्री राज्यपाल महोदय से। हमने प्रतिलिपि में प्रधानमंत्री महोदय को भी दिया है और हमारी यही मांग है कि वो सबके सामने माफ़ी मांगे। सतीश पूनिया जी खुद माफ़ी मांगे। सीपी जोशी साहब ने माफ़ी मांगी है, सांसद महोदय ने, उनकी माफ़ी नहीं चलेगी। सीपी जोशी साहब ने माफ़ी मांगी, वो माफ़ी नहीं चलेगी। हम सतीश पूनिया साहब से चाहते हैं कि आप माफ़ी मांगें। सर क्या है कारण, क्यों माफ़ी मंगवा रहे हैं? उन्होंने महाराणा प्रताप का जो मोमेंटो दिया था उन्होंने अपने पैरों में रखा है। सामने टेबल पड़ी हुई है फिर भी उन्होंने पैरों में रखा है। टेबल पे आप रखते हैं मोमेंटो, आपको कोई देता है गिफ्ट, कोई करता है आपको, उस मोमेंटो का मान रखना पड़ता है। चाहे वो हार हो, हार का भी आपको हार भी टेबल पे रखना चाहिए था। ये तो महाराणा प्रताप थे, मेवाड़ का और पूरे भारतवर्ष का गौरव थे वो तो। अब आप इसको लेकर के क्या बड़ा आंदोलन कर रहे हैं या किस प्रकार? माफी नहीं मांगते तो आंदोलन, अगर माफी नहीं मांगते हैं तो फिर हमको आंदोलन करना ही पड़ेगा, रैली और हम धरना प्रदर्शन करेंगे। माफी मांगो, माफी मांगो, सतीश पूनिया माफी मांगो, माफी मांगो, सतीश पूनिया माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, सतीश पूनिया माफी।